हरे कृष्णा। भाई लोग, आज डेट है 6 अक्टूबर और आज का मार्केट सुबह से ही बस 80 से 90 पॉइंट के बीच अपना निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो मैं सुबह से वॉच कर रहा था कि जैसे ही कुछ दिखे, कोई ब्रेकआउट वगैरह हो तो मैं मार्केट में एंटर करूं, क्योंकि आज अगर आप ऑप्शन ट्रेड करोगे तो वैसे भी आपका जो भी प्रीमियम है वो खत्म होने का, जो भी देख रहे हो आप वही 40 पॉइंट नीचे 40 पॉइंट ऊपर, तो इसमें बस आपका प्रीमियम जाता है। कोई मूव मिलेगा ऐसा नहीं है कि मूव नहीं मिलेगा, क्योंकि कल भी वही हुआ है, कल भी मार्केट कंप्लीट साइडवेज रहा है और आज भी अभी वही दिख रहा है। देखो इसमें इसमें निफ्टी अपना वही है और फिर बैंक निफ्टी आप देखिए, इधर बैंक निफ्टी में भी वही है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे फंसाने का कोशिश किया, देखो ये, उसके बाद फिर वही वापस अपने लेवल पे। तो यहाँ पे कन्विक्शन अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ देखो वॉल्यूम गिरता जा रहा है इसका, आपको वॉल्यूम देखना है, देख रहे हो, देखो वायर का वॉल्यूम गिरता जा रहा है। तो यहाँ पे मेरे को लगा कि चलो देखता हूँ, लेकिन फिर लगा कि नहीं, आप अगर इस कैंडल को देखोगे यहाँ पे 12:50, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए 12:50, देखिए देख रहे हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें 12:50 में आपका निफ्टी 50 में रेड कैंडल बन रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 12:50। तो यहाँ पे ये थॉट आया लेकिन दिखा, और एक कॉन्फिडेंस आता है ना कि एंट्री लिया जाए, मैं सोचा कि चलो आज बैंक निफ्टी में ही ट्रेड किया जाए। तो दो चीज यहाँ पे खुद को रोका, एक तो आपका जो डे हाई था, देखिए यहाँ पे डे हाई था, उसको जस्ट ब्रेक किया था, तो थोड़ा सा लगा कि थोड़ा और ऊपर जाने देते हैं, देखते हैं। दूसरी चीज, जब मैं निफ्टी को देखा तो दोनों दो डायरेक्शन में है, भाई मत करो ट्रेड, फिर कभी ना कभी मौका मिलेगा। तो देखो अगर आज ट्रेड मिलता है तो मैं उसको कैप्चर करूंगा, और नहीं तो वेट करते हैं, क्योंकि बिना मतलब का 40 और 80 पॉइंट के लिए ट्रेड नहीं करना है भाई, ठीक। और ये मैं वन डे का टाइम फ्रेम पे लगा करके ये चार्ट देखा तो यहाँ पे अपना एक रेजिस्टेंस जोन मिल रहा था, आप इसको ऐसे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यही करना है, वन डे का चार्ट ट्रेंड देखना है, क्या ट्रेंड है, ठीक। सबसे पहले ट्रेंड देखिए, ट्रेंड अभी बाइंग का ट्रेंड है, मतलब बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। अगर डेली पे देखा जाए तो बड़े टाइम फ्रेम पे, अभी ये आप वन डे पे ही मैं इसको लगाया हूँ, आज ही लगाया हूँ, और एक डाउन साइड का मैं देखा तो डाउन में ये एक सपोर्ट बन रहा था यहाँ पे, जो कि काफ़ी नीचे है, होने का कुछ भी हो सकता है। रही बात अपना ऊपर में रेजिस्टेंस का, तो ये जोन आप देखो, देखो देखिए आप यहाँ से देख रहे हो ये। तो आपको एक बार ये प्रैक्टिस करना होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है, क्या होता है, और उसके बाद धीरे 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 प्रैक्टिस के साथ ये आप बनाते जाओगे। वन डे में करने के बाद आप 1 आवर पे आओ, 1 आवर के बाद आप 15 मिनट्स पे आओ, तो आपको सब सामने दिख जाएगा। देखिए देखिए क्या है ना सही, 15 मिनट्स पे भी। अब आप इंट्राडे में आ जाइए, तो इंट्राडे में आज क्या है मार्केट, ओवरऑल अगर लॉन्ग ट्रेंड देखा जाए, बड़ा ट्रेंड देखा जाए तो बुलिश है, लेकिन अगर इंट्राडे देखा जाए तो भैया एकदम कंप्लीट साइडवेज है ना। अब यही बॉक्स में आपका 82-84 पॉइंट्स ये मूवमेंट अपना दे रहा। बैंक निफ्टी का वही हाल, थोड़ा सा ये यहाँ पे ट्रैप किया लोगों को। देखो यहाँ पे जब तक वॉल्यूम कंफर्मेशन अच्छा नहीं देता, जाने को ये जा सकता है भाई, क्योंकि रिटेस्ट यहाँ पे किया है, ठीक। अगर किसी को, जो रिस्क लेने वाले लोग हैं,
तो आप यहाँ पे इस लेवल पे फिर से मिलता है अगर बाइंग साइड में, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। देखो ये 534 है, 534 61 30 पॉइंट का, 25 से 30 पॉइंट ऊपर अभी भी है, आप इसको देख सकते हो क्योंकि ये रिटेस्ट करके जा रहा है। पता नहीं साइडवेज हो जाता है कि क्या, थोड़ा वॉल्यूम का कंफर्मेशन नहीं है भाई। अब इसमें फीवो का लगा के आप देखते हैं, नहीं जनरली आप इनिशियल डेज में इतना ज्यादा ये सब इंडिकेटर वगैरह मत लगा के देखना। जितना है बस उसी को अभी आपको प्रैक्टिस करना है। मतलब ये रेजिस्टेंस बन रहा है 0.23 पे, 0.23 पे ये सपोर्ट लिया है, तो भाई चांसेस है ना। देखिए आप अगर वीवो किसी से सीखे होंगे या समझे होंगे तो 50% पे देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया है, लिया ना, ये रहा देखो, देख रहे हो, और यहाँ पे तो ये चांसेस होता है कि जितना ये पॉइंट यहाँ पे आपका आता है, मतलब 39,527 से आपका 61, तो इतना ही ये ऊपर जा सकता है। ठीक, तो आप इसको देखिएगा एक बार। चलिए जैसा होता है मैं अपडेट करता हूँ। आप इसमें बाइंग में जा सकते हो, बैंक निफ्टी में बाइंग में जा सकते हो, हाँ बैंक निफ्टी में जा सकते हो। कंफर्मेशन है थोड़ा सा, थोड़ा सा। देखो क्या होता है ना, इंडिकेटर लगाने से क्या हम लोग लास्ट में करते हैं, लास्ट में एकदम जब कुछ ना समझ में आए, तो पहला तो ऑप्शन है कि आप या तो ट्रेड लो ही मत, अगर लेना है तो एक और कंफर्मेशन ले लीजिए, जिससे कि आपका अब यहाँ पे मेरा इसके प्रति जो है अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई हुआ है। यहाँ ठीक है, जो होना है होगा, लेकिन यहाँ पे भी अपना सपोर्ट दिखा रहा है 0.23% का, ठीक है, तो जा सकता है भैया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप भी यहाँ पे एंट्री अगर मिलता है तो फिर से बना सकते हो, या फिर अभी तो थोड़ा पॉइंट ऊपर आ गया यार, 27 पॉइंट ऊपर है, थोड़ा और अगर नीचे में मिलता है तो देखिए ये ऊपर जाएगा, जा सकता है, जाएगा नहीं, ठीक है। चलो जैसा होता है मैं अपडेट करता हूँ। निफ्टी का भी अभी वही हाल है। हाँ देखो निफ्टी भी अगर सपोर्ट में इसको ब्रेक किया यहाँ पे बॉक्स से बाहर, तो फिर अपना आज का गेम हो सकता है, एंट्री हम लोग बनाएंगे और होगा। जैसे जैसे एक्सपायरी है ना, एक्सपायरी में सेलर को अभी प्रॉफिट हो रहा है, थोड़ा कुछ देर के बाद मार्केट ट्रेंडिंग होगा। चलिए जैसा होगा मैं अपडेट करता हूँ, वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है। तो भाई देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेरिश दिख रहा है, निफ्टी में अभी हम लोग थोड़ा वेट ही कर रहे हैं। एकदम से मार्केट साइडवेज है यार, इसमें आप क्या कर सकते हो, स्कैल्पिंग कर सकते हो, है ना। एक बार इस कैंडल को क्लोज होने देते हैं, और ट्रेड चलिए देखते हैं जो होता है। अभी तक हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया, आज देखते हैं जैसा होगा। देखो भाई ट्रेड ना करना भी एक
बहुत बड़ा ट्रेड है, खुद को रोके रहना, टर्मिनल के सामने बैठ करके आप खुद को रोके रह रहे हो, तो समझो कि आपका साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना। तो कोई बात नहीं, देखो अगर आप अभी ऑप्शन लिए हुए होते तो ऑप्शन में क्या होता है, ये थर्सडे है तो आज एक्सपायरी के दिन उसका प्रीमियम एकदम से इतना फास्ट डाउन होता है, आप पूछो मत। और एक तो ऊपर से साइडवेज मार्केट, तो भाई आखिर हम लोग को प्रैक्टिस करने के बाद ट्रेड तो ऑप्शन में ही करना है, ऑप्शन या फ्यूचर में। चलो फ्यूचर तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन में अगर ट्रेड करना है तो इस चीज़ को भी एक्सपीरियंस करना होगा, है ना, कि ट्रेड ना करें। देखिए चलो, आज का डे लो है, ये डे लो को एक बार ब्रेक कर दीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से एकदम, है ना। डे लो है आज का 340। देखते हैं, पेशेंस रखना है भाई, सबसे बड़ा ट्रेडिंग में यही है। और अगर आपको लाइव वीडियो थोड़ा बड़ा होता ही है, ये आपको देखना है, तो स्पीड आप बढ़ा के इसको देख सकते हो, है ना। देखिए चल, जैसा होता है हम अपडेट करते हैं। देखिए एक लर्निंग है भाई, कि अभी बस निफ्टी को देखिए, यहाँ पे डे लो के पास आकर के वापस से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे ना अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कमता है यार। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे एक डिमांड जो ना यहाँ से आने के बाद फिर सडन ऊपर जाता है। तो चलो अभी जो होगा हम देखते हैं, इस कैंडल को एक बार क्लोज होने दीजिए, हम लोग अभी शॉर्ट करेंगे ईटीएफ को, ठीक है। वहां भी हमारा रिस्क कम ही है, लेकिन देखो अगर एक चीज आप देखोगे तो थोड़ा सा देख रहे हो कितना लंबा फॉल है, लगभग आपका 73 पॉइंट्स का है ना। तो चलिए देखते हैं, मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज है यार। बैंक निफ्टी में देखो, ये यहाँ पे थोड़ा सा जो रिस्की लोग होंगे वो लोग कब बना होगा, खैर मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि ये स्टॉप लॉस उतना सही जगह पे स्टॉप लॉस नहीं बना था, ठीक है। वो तो मैं सोचा कि चलो प्रीवियस हाई जो है उसी को, लेकिन नहीं, जब भी ये स्टॉप लॉस होना चाहिए तो यहाँ पे होना चाहिए, सेफ तभी रहेगा, ठीक है। 131.32 पॉइंट का स्टॉप लॉस यार मायने रखता है, वो भी एक्सपायरी के दिन, तो थोड़ा सा इग्नोर किया मैं कि नहीं भाई। अब आप जबरदस्ती आर मिलाने के लिए ऐसे तो नहीं कर सकते, है ना। चलिए जैसा होता है, देखिए
भाई हम अपना एंट्री वो अपना यहाँ पे बना रहे हैं। एक बार समझ लो, एंट्री बनाने से पहले क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। तो स्टॉप लॉस भाई देखो ये वाले लाइन से ऊपर, इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे हमारा एंट्री होगा आज का डे लो से नीचे, और सेफ साइड के लिए हम देखो, ठीक है, 1:2 मतलब 16 पॉइंट अपना स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पे, और 33 पॉइंट टारगेट अगर मार्केट नीचे जाता है तो। ठीक, चलो गजब का यार, देख रहे हो डिमांड जोन, देखो देखो क्या बात। तो भाई अपना एंट्री यहाँ पे बन गया है, आप देख लीजिए, अभी जस्ट मैंने लिया है, देखो यहाँ पे अपना एंट्री बना है, ठीक है। अब देखते हैं, मात्र 16 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस है, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये इस कैंडल का, इस कैंडल का जो हाई है उसको हम लोग अपना स्टॉप लॉस बनाते हैं 14:20। चलिए आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए, 14:20 इसका हाई हो गया 189.15, 189.15, देखिए 189.95, क्या है अभी सिचुएशन देखिए। देखो इसमें थोड़ा वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम इसमें और आ जाता तो मजा आ जाता। अच्छा देखते हैं भाई अपना जो 14:20 का कैंडल है उसका हाई अगर ब्रेक करता है तो हमारा स्टॉप लॉस होगा भाई। ठीक भाई, चौपी मार्केट में अगर इतना भी मिल जाता है तो काफी है, बाकी मार्केट के हाथ में क्या होगा क्या नहीं होगा, चलिए देखते हैं। हाँ वॉल्यूम आया है भाई इसमें थोड़ा, प्रीवियस कैंडल से थोड़ा सा वॉल्यूम ऊपर आया है ना, तो देखिए अब एंट्री हो गया है तो यू कॉन्ट डू एनीथिंग। रिलायंस देखो, रिलायंस को देखते रहना है भाई, रिलायंस अपने डेल लो के आसपास है, एक बार ये अगर ब्रेक किया तो मजा आ जाएगा फिर, है ना।
देख रहा, जैसे निफ्टी का भी है बेयर, वही रिलायंस का भी है बेयर। एक बार बस ये अपना डेलो को ब्रेक करे। चलिए तो इसको हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना डाल देते हैं, जो होगा सो होगा, क्योंकि मार्केट रिवर्स कर रहा है भाई। अगर आप देखो ना, सेफ स्टॉप लॉस यहाँ तक भी जा सकता है, लेकिन नहीं, जो है सो है यार, इतना दिमाग नहीं लगाना। देखिए जो होगा देखा जाएगा। अभी अपना 10% का लॉस दिखा रहा है। छः परसेंट चलिए स्टॉप लॉस अपना कट गया। देखो तो अपना एसएल हिट हुआ भाई, बहुत छोटा एसएल था, जो कहो अगर चल जाता तो चल जाता। इसमें हम री एंट्री लेंगे अगर इसको वापस से ब्रेक करता है तो। देखिए स्टॉप लॉस हिट करने के बाद वो वापस से नीचे आ गया, बस इसका हाई शायद वही लगा। नहीं, 189.217। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर सेफ देखा जाए ना तो ये यहाँ पे आता, तो आपको चार्ट पे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, तो नहीं यार मतलब नहीं बनता था। एक्सपायरी वाले दिन मार्केट का कंडीशन बुरा है। थर्टी फाइव, खैर ये भी सही था। अगर वापस से ये प्रीवियस एंट्री लेवल के पास जाता है तो हम लोग फिर से एक री एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस और ऊपर दे सकते थे, तो यही सब समझना है। अगर ये अपना लाइव कोई ऑप्शन में ट्रेड होता तो यहाँ पे हम फंस सकते थे, है ना? देखिए जैसा होता है मैं अपडेट करता हूँ। तो देखिए भाई, आज का डे खत्म हुआ, ट्रेडिंग डे 3:35 हो गया है। उसके बाद एक स्टॉप लॉस अपना हिट हुआ, उसके बाद मैं कोई ट्रेड में एंट्री नहीं किया, जबकि यहाँ पे री एंट्री बन भी रहा था। लेकिन देखो इस चीज़ में आज का जो ट्रेडिंग था उससे एक चीज़ बहुत बड़ा समझ में आया कि ठीक है, अगर आपको ये 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिलता है ना,
तो आप एक बार देख लो, अगर उसके बाद भी कोई है क्या। अगर हम यहाँ पे देखो, मेरा क्या मोटो था यहाँ पे स्टॉप लॉस डालने का, यहाँ पे था कि ये जो एरिया है, ये जो पोजीशन है, यहाँ पे बहुत बार मार्केट सपोर्ट लिया है, तो अब ये वापस से रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो शायद ये ऊपर ना जाए, उससे पहले ही ये डाउन आ जाए। तो अपने हिसाब से, अपने सेटअप के हिसाब से अपना बहुत बढ़िया जगह पे स्टॉप लॉस था, लेकिन अब मार्केट को हिट करना था। यू कांट बी राइट एवरी टाइम। और आप मार्केट पे कोई एक बार एंट्री ले लिए, चलो ठीक है। अब हमारा एंट्री यहाँ हुआ, एंट्री हो गया ये 17,339 पे, ठीक है, 17,339, मतलब 40 पकड़ लो आप। वहाँ से मेरे को लगा कि 16 पॉइंट ऊपर में है आपका एसएल, और 35 पॉइंट नीचे डाउन में आपको मिलना था। अब यहाँ पे पहले तो नेक्स्ट कैंडल एंट्री के बाद ही थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा, मतलब जितना अभी आपका स्टॉप लॉस है इतना ही प्रॉफिट दिखा, आप वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद ये सडन विद इन 2 to 3 मिनट्स ये अपना स्टॉप लॉस हिट किया। तो इससे क्या घबराना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज आपको शायद एक बार ये लॉस दिया है, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। कभी कभी ये 35 पॉइंट्स के जगह पे आपको 60-70 पॉइंट दे के चला जाएगा। तो कोई स्टॉप लॉस लो, आराम करो। मेरे से उस समय देखो, साइकोलॉजी का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल समझना, यहाँ पे जब मेरा ऐसे हिट हुआ तो रिवेंज में मेरा माइंड बोलता है कि चलो एक ट्रेड और लूंगा, अगर फिर से री एंट्री के पास आता है तो। और दोस्त उसके नेक्स्ट कैंडल पे री एंट्री आया, लेकिन तब तक मेरा, मैं खुद को समझा लिया कि नहीं, अपना सिस्टम तो वही है कि एक दिन में एक ट्रेड करना है, कब, जब स्टॉप लॉस पहला ट्रेड हो जाए। तो अगर प्रॉफिट होता तो उस प्रॉफिट से कुछ रिस्क देखा जा सकता था। हार्डली 2 से 3 ट्रेड, हार्डली वो भी नहीं करना, एक ट्रेड ही काफी है। तो मैं खुद को संभाला कि नहीं, ये एक तरह से रिवेंज ट्रेडिंग हो जाएगा। और अब यहाँ पे एसएल में एक चीज सीखने के लिए मिला कि स्टॉप लॉस ठीक है, प्रीवियस स्विंग जो है दैट इज फाइन, ठीक, लेकिन अगर प्रीवियस स्विंग आपका बहुत छोटा जगह पे मिल रहा, मतलब यहाँ पे अपना कितना था, ये आपका 17 पॉइंट का है एसएल, तो 5 रुपये का, 5 रुपये का स्टॉप लॉस था ऑप्शन में, और पकड़ लो अगर इन द मनी होता तो 8 रुपये का। तो अगर 100 क्वांटिटी से मैं ट्रेड करता हूँ तो इसमें तो 100 क्वांटिटी भी अगर है तो 800 रुपये का। क्या 800 रुपया आपको डाइजेस्ट नहीं होता, या 8 से और ज़्यादा आपके पास कैपेसिटी था? तो अगर 8 से ज़्यादा कैपेसिटी था तो हमें ये देखना था कि यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता, तो इस प्लेस पे स्टॉप लॉस नहीं लेना था आपको। ये देखो, ये एरिया देखो, इस एरिया पे भी अगर हम रखते तो अपना स्टॉप लॉस बहुत बड़ा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ 32 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता, जो कि बहुत बड़ा नहीं था, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा नहीं था। 32 पॉइंट, आप इसका मतलब अगर ऑप्शन पे देखें, एट द मनी 3 रुपया के हिसाब से 10 रुपये का है ना, तो अगर इन द मनी भी देखते हैं तो 15 रुपये का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी अपना ये ट्रेड फेवर में होता तो भी ठीक, नहीं होता तो भी ठीक। तो यहाँ पे ये चीज समझना है कि स्टॉप लॉस जो है थोड़ा देख के समझ के लगाना है। अगर ठीक है हिट हुआ तो हुआ, हुआ कोई बात नहीं। देखिए लास्ट तक भी ये यहाँ तक ऊपर तक आया। अब क्यों आया आप इसका समझिएगा, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे भी होगा है ना, यहाँ पे भी होगा, तो उसको मार्केट थोड़ा स्टॉप लॉस हंट करना चाह रहा था, लेकिन फिर सेलर यहाँ पे आया और मार्केट को नीचे गिरा ले गया। तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हुआ, लर्निंग ये मिला। नेक्स्ट टाइम से मैं देखूंगा कि स्टॉप लॉस अगर अपना छोटा बन रहा है तो कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर और सेफ स्टॉप लॉस कौन सा होगा, वैसा जो मेरे
रिस्क एपेटाइट के अंदर हो। बहुत बड़ा लर्निंग है, लॉस अपना कितना हुआ, बहुत कम अमाउंट हुआ। अगर यही आपका ये ऑप्शन में होता है या फिर फ्यूचर में होता तो ये लॉस आपको काफ़ी बड़ा दिखता। तो अच्छा है ना कि हम छोटे छोटे अमाउंट से अपना ट्रेडिंग सेटअप, ट्रेडिंग का जो प्रैक्टिस है उसको ETF पे करके इसको स्ट्रांग बना रहे हैं। नेक्स्ट टाइम से तो आप समझो कि ये इसका मैं जर्नल जब लिखूंगा अभी कुछ देर बाद, तो उसमें मैं ये सब चीज़ों को सबको मेंशन करूंगा कि नहीं, एक स्टॉप लॉस और ऊपर बन रहा था, मैं उसको नहीं रखा, मैं इसी को रखा। कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं। कभी यही 16 पॉइंट कहीं स्टॉप लॉस आपको हिट नहीं होगा और आपको 60-70 पॉइंट आराम से देगा। तो स्टॉप लॉस इज ए पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, कोई टेंशन नहीं है, बस प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करना है ETF पे। क्योंकि जब तक आपका साइकोलॉजी सही नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। यहाँ पे और भी कोई ट्रेड बन सकता था, ठीक है, लेकिन मेरा, मैं सुबह में ही इतना जब हुआ तो एक अपना बॉक्स बना दिया कि बॉक्स में चल रहा है। ठीक, अब देखो निफ्टी से कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं था, बैंक निफ्टी कभी लग रहा था कि हाँ बैंक निफ्टी में ये वाला जो है ये ब्रेकआउट ये अच्छा था, है ना, ये ब्रेकआउट अच्छा था, इसमें आपको 1:2 आराम से मिल सकता था। तो खैर कोई बात नहीं, हम अपने जो रूल है उस पे फोकस्ड रहेंगे और ट्रेडिंग अपना चलता रहेगा। प्रैक्टिस में क्यों ना 1 साल नहीं लग जाए, बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होना है, यही सिंपल लॉस है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या हुआ नहीं हुआ, आप सीख रहे हो, सिस्टम सीख रहे हो, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। चलिए फिर, आप अच्छा लगे तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए इसी पे, और जिनका ज़्यादा लॉस हो रहा है उनको ये वीडियो शेयर कर दो कि वो देख के समझें, और खुद का कैपिटल सेव करें, सबसे ज़्यादा जरूरी है कैपिटल सेविंग। और वो कब आएगा, जब आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग होगा। तो चलिए फिर, ठीक है, हरे कृष्णा।